हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं दुआ करता हूँ यहाँ पर भी रहें, अच्छे रहें और खुश रहें और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाते रहें और अच्छी वाइब बनें। तो आज का फैक्ट होने वाला दिमाग के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत धमाकेदार होने वाला है आज का वीडियो। तो दिल थाम के बैठ जाइए और थोड़ा फोकस बढ़ा लीजिए, क्योंकि वीडियो एकदम अच्छे अच्छे फैक्ट्स के साथ आने वाली है। ठीक है, फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, आपको दिन भर मतलब पूरे होल डे में कितने विचार आते हैं, कभी आपने सोचा है? आपके दिमाग में पूरे होल डे में करीब 60,000 तक के विचार आते हैं। 60,000 विचारों में से 70% आपको नेगेटिव आते हैं, 30% आपको पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, आपको डर क्यों लगता है? जब सोचा आपने कि डर क्यों लगता है, तो डर का रीज़न क्या है? एक्चुअली आप डर फील कैसे करते हैं? तो डर का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपके दिमाग के अंदर एमिग्डाला नामक पार्ट होता है, जिसका शेप बादाम की गुठली की तरह होता है, जिसकी वजह से हमें डर महसूस होता है। यदि हमारे शरीर से ये गुठली छोटी सी निकाल दी जाए, तो हमारे अंदर से डर नामक चीज़ खत्म हो जाएगी और हमें किसी चीज़ का भी जो फियर होता है ना, डर, वो चीज़ दिमाग से खत्म हो जाएगी परमानेंटली। पॉइंट नंबर थ्री। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हमें भूख क्यों लगती है और गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो भूख लगने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि न्यूरोपेप्टाइड नामक हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है और गुस्सा आने का रीज़न भी उसी का माना जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके भूख और एंगर, यानी कि हंगरी इज इक्वल टू एंग्री के बराबर हो जाता है। दोनों भाई बहन हैं, दोनों साथ में चलते हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन की वजह से क्रिएट होता है, जिसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड। पॉइंट नंबर फोर। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि आपके माइंड की कैपेसिटी कितनी है? एक्चुअली आपको सुन के बड़ा हैरानी होगी और गूज़बम्स खड़े हो सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग के और आपकी बॉडी के। हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है, ऑब्वियसली इसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हमारे माइंड की कुछ स्टोरेज कैपेसिटी है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, पर प्रॉब्लम होता है कि टाइम के हिसाब से जो चीज़ें आप पहले पढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करते, रिविजन नहीं करते लॉन्ग समय तक, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली निकलने लगती हैं। निकलने का मतलब होता है कि वो एक ऐसी फाइल्स में जाती है, जिसको हम न्यूरोन्स बोलते हैं, वो न्यूरोन्स में जाकर चली जाती है, जिसको हम प्रैक्टिस ना करते हुए वो चीज़ें हमारे दिमाग से दूर होने लगती हैं। नई नई चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और हमें उन चीज़ों को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हमें उन चीज़ों में हेल्प मिले। पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव ऐसा है, देखो दोस्तों, कि हमें पानी की प्यास कब लगती है? पानी की प्यास मैंने आपको एक वाटर 1% के बारे में बताया था, वाटर वाले में, उसमें हमें पानी की प्यास लगती है जब हमारा बॉडी का वाटर लेवल 1% कम हो जाता है। पर लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारा जब पानी का लेवल कम होने लगता है, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे सुकड़ने लगता है, यानी कि नहर होने लगता है। तो हमें पानी पीना चाहिए रेगुलर वे में, मतलब टाइम टू टाइम पीना चाहिए, और एक गिलास पानी पीने से हमारी बॉडी की एनर्जी 14% मतलब इंक्रीज होती है, और औसतन एक दिन में करीब 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए एक हेल्दी माइंड के लिए और हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है, फैक्ट नंबर सिक्स। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि हम जो चीज़ें कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे इस टाइम पर आप ये वीडियो देखेंगे, तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। एक्चुअली न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स का काम एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके दिमाग को हेल्प करना है। जैसे इस टाइम पर मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे न्यूरॉन्स इस टाइम पर काम कर रहे हैं कि भाई वो चीज़ें कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे मेमोराइज करनी है, उन चीज़ों को हेल्प मिलती है। तो न्यूरॉन्स इतने कमाल की चीज़ है, जिसको आप हर चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे देखने में, बोलने में, सुनने में, ठीक है, चलने में। यदि सपोज करो जिस टाइम पर आप इसे फोकस के साथ देख रहे हैं, तो आपको एक न्यूरॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, पर मैं हमेशा आपसे बोल देता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करते रहिए, ताकि आपको सब चीज़ों के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है। और न्यूरॉन्स ही सबसे मेन चीज़ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे आपसे कोई कोई कभी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको कोई चीज़ें याद नहीं आती हैं, अचानक आपको याद आती है, हाँ मुझे इसका आंसर पता है, अचानक याद आता है। तो ऐसा होता है कि आपकी तीन तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मिडिल और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं दिमाग के थ्रू, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज़ होती है, जिससे आप उसे अचानक ही भूल जाते हैं कुछ समय बाद। फिर मिडिल टाइप मेमोरी होती है, जिसमें आप पढ़ते हैं पर लेकिन वो कुछ समय तक आपको याद रहते हैं, जैसे मान लो 5 to 10 days। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपको दिमाग फोकस के साथ पढ़ता है, विजुलाइज करता रहता है हमेशा, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि तो मुझे हमेशा के लिए याद हो चुका है, आप मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, ये एक फैक्ट है न्यूरॉन्स का, जो कि बहुत बड़े लाइफ में हेल्पफुल करते हैं, और आपके न्यूरॉन्स की वजह से आपको चीज़ें महसूस हो रही हैं, देख रहे हैं, और एवरीथिंग न्यूरॉन्स की वजह से ही हो पा रहा है आपको। और फैक्ट नंबर सेवन की बात करते हैं, मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रेडिक्टेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये माइंड का ऐसा पार्ट होता है जिसको आप जितना बढ़ाते हैं, उतना आपकी प्रेडिक्टेशन उतनी हाई हो जाती है। और जितना लोग इस चीज़ का दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी भविष्यवाणी, जैसे कुछ चीज़ विजुलाइज के तौर पर ड्रीम्स में देखते हैं, तो उसको
पक्के तौर पे याद रखते हैं और वो कभी भी उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं जब उनको वो चीज़ें विजुअलाइज होती है अपने दिमाग में या उसको फीलिंग के तौर पे वो कभी महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर एट। और हमें खान मतलब फैक्ट नंबर एट ये है कि जब आप कोई भी चीज़ जैसे आप समझते हैं कि जैसे हम कोई फ़ोन अपना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक बैटरी की लाइफ है कि भाई आपको कितने समय तक उसकी बैटरी चलेगी, मतलब 100% चार्ज कर लिया पर उसके बाद उसको खपत भी होती है यानी कंजप्शन भी बढ़ती है उसकी, फिर उसके बाद एक टाइम पे फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे माइंड को क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करने के लिए हमें खाना और पीना जरूरी होता है। खाने से हमें हमारे माइंड को 75% एनर्जी मिलती है, जबकि खाने में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्लूकोज, जो हमें वीट वगैरह से ज़्यादा मिलता है यानी कि गेहूँ वाली चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। 25% ग्लूकोज मिलने से हमारी बॉडी और भी अच्छे बेटर वे में काम करती है और हमारे माइंड की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे वे में बाहर निकल कर आती है और बहुत चीज़ों में हेल्प भी करती है, पढ़ाई में भी एज वेल एज आपके मेमोरीज को रिकॉल करने में, रिमेंबरिंग में, लिसनिंग में, बहुत चीज़ें हेल्प के तौर पर आपको बढ़ती है। क्योंकि देखो हर चीज़ में आपको माइंड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा अल्टीमेटली घुमा फिर आगे, तो आप जो भी देखेंगे उसमें हर चीज़ में माइंड आता है। और दोस्तों माइंड का एक नाइन फैक्ट नंबर नाइन, माइंड का जो ब्रेन का जो हमारा वेट होता है करीब 1500 cc का होता है। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसा माना जाता है स्टडी में कि जितना आपका माइंड का ब्रेन मतलब माइंड का वेट कम होता है उसका माइंड उतना ही स्लो काम करता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग है 1300 cc का था, पर लेकिन उन्होंने गजब तरीके का दिमाग का विकास किया है और उनकी मुझे उनकी थ्योरी भी बहुत सारी पता है और मेरे फेवरेट साइंटिस्टों में से एक हैं। स्टीफन हॉकिंग भी हैं जो कि बड़े लेवल पे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना आपको चीज़ों के बारे में गहराई से पता चलता है। एक इंसान जो चीज़ों को सीक्रेट वे में जो बुनता रहता है वो माइंड का एक गेम क्रिएट करता है अपने दिमाग से, वो न्यूरॉन्स में इतना खो जाता है, उसका विजुअलाइजेशन पावर इतनी हो जाती है कि वो हर चीज़ को पॉसिबल बना देता है। और फैक्ट नंबर नाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको अपनी मेमोरी को एनर्जी मतलब मेमोरी को आपको इंक्रीज करना है या बहुत बेहतर वे में आपको स्किल्स दिखानी है तो आप चीज़ों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, उदाहरण समझते हैं चीज़ को इजीली, जो आपको समझा दे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और समझाना क्या चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक्चुअली में होता है कि जब वो कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उस टाइम पे होता क्या कि अभी समझते हैं कि भाई मैं इस चीज़ को अभी याद हो रही है, पर लेकिन उसको कुछ समय बाद जब रिकॉल करते हैं तो उस टाइम पे आप भूल जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसे दोबारा से पढ़ते हैं तो उसकी जो लाइफ टाइम है उसकी मतलब उसकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। आप उसे विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, वो चीज़ों के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब प्रैक्टिकली भी हमें देखा जाए तो उसको विजुअलाइज इतना करेंगे उतनी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी और आप बहुत अच्छा उस चीज़ को याद भी कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन मत कीजिए कभी भी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें कुछ समय तक हेल्प करते हैं बल्कि आने वाली लाइफ में वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर पढ़ें, दिमाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और जो भी चीज़ कर रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग के साथ करें। फैक्ट नंबर 10 ये है, सबसे मोस्ट अल्टीमेट डायनामाइट परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, जो भी परमाणु बम निकल कर बाहर आना ना आपकी तरफ, ये है। एक स्टडी में पता चला है कि यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं और उस टाइम पे थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं आप और उसको हंस भी रहे हैं हैप्पीनेस के तौर पे, आप उसको विजुलाइज भी कर रहे हैं, उसको थिंकिंग को कोई कनेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी ये कहती है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसको मतलब विजुलाइज का ही पार्ट माना जाता है, पर लेकिन नेटवर्क थ्योरी में ये होता है कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को कनेक्ट करते जा रहे हैं, उसके बाद आपको आप देखेंगे कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं, क्योंकि आपको चीज़ें पढ़ने के साथ साथ आप चीज़ें प्रैक्टिकली भी जोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं माइंड के ऊपर, और माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि माइंड के पार्ट्स भी हैं बहुत डिफरेंट टाइप के, जो आपको अलग अलग तरीके से यूज़ करने पड़ते हैं। और आपकी बॉडी का जो माइंड है एक 11 फैक्ट है सबसे एक्स्ट्रा आपके लिए, कि आपका माइंड जिस टाइम पे लेफ्ट टाइम पे आपकी बॉडी और माइंड का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको मैं आज बता देता हूँ। जिस टाइम पे अपने माइंड को ऑपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन राइट यूज़ करता है और राइट वाली साइड को बॉडी को लेफ्ट हैंड वाला ब्रेन यूज़ कर मतलब उसको ऑपरेट करता है। ये आज के फैक्ट है धमाकेदार। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन वीडियो बड़ी बन जाती है क्योंकि कोई चीज़ आपको तरह तरीके से बतानी होती है और अच्छे में बतानी होती है तो टाइम लगता है, शॉर्टकट नहीं है भाई कोई भी वीडियो में बनाने का, लॉन्ग बन जाता है। 3-4-5 मिनट की वीडियो बनाने में सुकून नहीं है क्योंकि वो चीज़ें भरपूर तरीके से नहीं मिल पाती जो मैं अपनी वीडियो में देना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं मुझे खुशी मिलती है। तो वर्क फॉर योर हैप्पीनेस एंड वर्क फॉर योर एफर्ट्स, इट इज़ अ मैटर हाउ लॉन्ग योर वीडियो, बट व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, इट्स रियली डेप्थ ऑफ माई हार्ट,
एंड फॉर माई हैप्पीनेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में और कुछ कुछ बेहतर चीज़ें मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा लेट आई है, उसका भी रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि एक्चुअली रीज़न क्या था इसका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। और इसका यूज करते रहिए क्योंकि आज का व्लॉग इसी के ऊपर है, धमाका उठाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।